गुड इवनिंग फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक रहेगा बच्चों के गले में गांठ बड़ी भी होना। ये एक पेरेंट्स की बहुत बड़ी कंसर्न रहती है। ऑफन वो बताते हैं कि बच्चे की कान के पीछे गांठ हो गई, बच्चे के गले में गांठ हो गई, और डॉक्टर उसे एग्जामिन करता है। बट कई बार हमारे उन्हें समझाने के बावजूद भी उनके मन में एक चिंता रह जाती है, उन्हें लगता है पता नहीं क्या हो गया, और भिन्न भिन्न तरह तरह की बीमारियों के बारे में वो सोचते हैं। कई बार अनावश्यक रूप से टेस्ट भी कराने के लिए कहते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको बताऊंगा, इन ये गांठें लिम्फ नोड हैं जो हमारे सभी के शरीर में मौजूद हैं। गर्दन में कुछ ज़्यादा होती हैं, जैसे तकरीबन 300 गांठें गर्दन से ऊपर होती हैं, और 300 गांठें नीचे बॉडी में होती हैं। मतलब तो अगर टोटल आप गांठों की गिनती करें तो 600 प्लस गांठें होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। इन्हें लिम्फ नोड्स कहते हैं। और नीचे जो बाकी की बॉडी बची गर्दन से नीचे, उसमें से 20 से 40 गांठें हमारी आर्म पिट में होती हैं, तकरीबन 150 गांठें हमारे पेट के अंदर होती हैं जो अल्ट्रासाउंड में अक्सर दिखती हैं, मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स, कुछ जांग में मौजूद होती हैं। तो इस तरह से टोटल मिला के 600 प्लस गांठें होती हैं। छोटे बच्चों के अंदर ये गांठें गर्दन पे अक्सर दिख जाती हैं, जैसे उन्हें कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए, सर में खुश्की हो जाए, जैसे सर में फ्यास हो गई, डैंड्रफ हो गई, तो भी ये गांठें बढ़ जाएंगी, और या उनके सर में जू हो गई तो भी गांठें बढ़ जाएंगी, कोई फुंसी निकल गई, फोड़ा निकल गया तो भी गांठें बढ़ जाएंगी। ये एक्चुअली होती क्या है, इसे हमारी भाषा में, डॉक्टरी भाषा में लिम्फ नोड कहते हैं। लिम्फ नोड का बेसिक काम है, इसके अंदर जो हमारा जो ब्लड है जो पूरी बॉडी के अंदर दौड़ता है, और इंटेस्टाइन से या गले से जो कीटाणु हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट करते हैं, वो वाइट ब्लड के थ्रू इन गांठों के अंदर जाते हैं, और ये गांठ उन्हें फाइट करती हैं। इन गांठों के अंदर फाइटिंग सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंट तरह के इन्फेक्शंस, वायरल, बैक्टीरियल या कई बार कैंसर सेल से भी फाइट करते हैं। और नॉर्मली आधा सेंटीमीटर के करीब साइज़ की गांठ गर्दन के अंदर हो सकती हैं, और एक इंच के करीब की गांठें जांग के अंदर हो सकती हैं, या आप समझिए चवन्नी के साइज़ के बराबर गर्दन में गांठें होती हैं। अगर वो गांठें आराम से फिसल रही हैं, जुड़ी हुई नहीं हैं, चिपकी हुई नहीं हैं, तो डॉक्टर आपको सिर्फ रीअश्योर कर देते हैं या लोकल एरिया देख लेते हैं कि वहाँ पर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसका हमें ट्रीटमेंट देना है। नॉर्मली ये जब कीटाणु लिम्फेटिक वेसल से होके लिम्फ नोड में जाता है, इन गांठों में जाता है, तो वहाँ पे जो फाइटिंग सेल्स हैं वो लड़ते हैं उनसे। कई बार उनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ पे पस फॉर्मेशन होने लगता है, जैसे कि छोटे बच्चों के अक्सर गर्दन के आगे पीछे पस वाली गांठें हो जाती हैं, जिसमें कई बार डॉक्टर को सुई से पस निकालना पड़ता है या चीरा लगाना पड़ता है। बट ज़्यादातर बच्चों के गले में जो गांठें हैं वो एक सिंपल वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो समय के साथ अपने आप सही हो जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा टॉन्सिल के इन्फेक्शन में यहाँ गले की गांठें बढ़ जाती हैं, एक एडिनो वायरस से भी गांठें बढ़ जाती हैं जो दो दो तीन तीन महीने तक बढ़ी रहती हैं। तो इन गांठों के लिए आप ज़्यादा विचलित ना हों और अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट करें, उन्हें बताने दीजिए, क्योंकि इन गांठों के बढ़ने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं। जनरली डॉक्टर की पॉलिसी रहती है कि अगर उसे सिग्निफिकेंट, मतलब अगर साइज सिग्निफिकेंट लगता है इन लिम्फ नोड का, तो वो एक हफ्ते की एंटीबायोटिक्स आपको लिखते हैं, और एक हफ्ते के बाद उसे रीअसेस करते हैं। कुछ बच्चों के लिए इन गांठ के अंदर से पानी निकाल के भी टेस्ट किया जाता है, या गांठ का पूरा गांठ को निकाल के, जिसे बायोप्सी कहते हैं, तब टेस्ट कराया जाता है। ये हम दो ही तरह की केसेस में ऐसा करते हैं जब हमें या तो ट्यूबरक्लोसिस का शक हो या हमें कैंसर का शक हो। ट्यूबरक्लोसिस इतनी कॉमन नहीं है, और कैंसर तो बहुत ही अनकॉमन है, तो बट उनकी जो शेप है, उनकी जो फील है, वो डॉक्टर को समझ में आती है, और वो डॉक्टर अपने हिसाब से उसके बारे में निर्णय लेते हैं। तो बहुत जल्दी FNAC कराना, बहुत जल्दी बायोप्सी कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप धैर्य रखें और अपने डॉक्टर पे भरोसा करें। तो मैं समझता हूँ आज लिम्फ नोड के बारे में आपको ये जानकारी मिली, आप थोड़ा गूगल करके भी देख सकते हैं, अब आपको वो आराम से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीक अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगा मैं, और मैं कोशिश करता हूँ मैं थोड़ी सी देर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ। Thank you, friends.